सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल बच्चों? माय डियर बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं अपने फैक्टर का सिक्स नंबर का क्लास, जिसमें हम बात करेंगे इन दो आइडेंटिटीज की। यस, माई सेल्फ अनूप कुमार। निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन और हम शुरू करते हैं अपने फैक्टर का सिक्स नंबर का क्लास, जहां पर हम बात आज करेंगे टू आइडेंटिटीज की, जिसमें ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी टू होल क्यूब, इन दोनों की बात करेंगे किस तरीके से इनको एक्सपेंड किया जाएगा और किस तरीके से आप इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास दो आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर आप ए और बी को ए और बी ही मत समझिएगा बच्चों। ए और बी का मतलब होता है टर्म। यहाँ पर दो टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, बीच में सम का साइन होगा, ऊपर होल क्यूब लगा होगा। अभी तक आप स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब होल क्यूब पढ़ेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका एक्सपेंशन होता है। देखिए इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, वहीं से सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए बच्चों। हमसे कह रहा है कि एक्सपेंड एक्सपेंड फोर ए प्लस थ्री बी का होल क्यूब, इसे हमें एक्सपेंड करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? अब क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक्स, देखिए ए बी में क्वेश्चन दे दिया, अब आप ऊपर वाले से तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम सीधी सी बात क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर दो टर्म है हमारे पास बच्चों और उनका क्यूब लगा है, तो हम तो ऐसे याद करते कि फर्स्ट वाले का क्यूब करेंगे, सेकेंड वाले का क्यूब करेंगे, फिर थ्री से फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके लिखेंगे, मतलब वही बॉक्स यहां वाला उठा के यहां गए। ठीक है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस थ्री इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ए प्लस बी, वही फर्स्ट प्लस सेकेंड, बस रख दीजिए। फर्स्ट टर्म की जगह क्या है, फोर ए, तो इसकी जगह हम रखेंगे फोर ए क्यूब लगाएंगे। अब देखो आप ए पे क्यूब मत लगा रहा, चूंकि यहां दो चीजें आ गई तो दो लग गए, तो देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है बच्चों। तो अगर यहाँ पे सिंगल चीज होती तो हम सीधे क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है तो मैंने होल लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा ये है, तो इसका भी क्यूब होगा, इसका भी होगा। अभी फर्स्ट टर्म की जगह अगर हमारा ये होता तब सबके ऊपर इसका भी क्यूब होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, जो होगा फर्स्ट की जगह सबका क्यूब होगा। ठीक है बच्चों, प्लस सेकेंड का क्यूब, तो सेकेंड टर्म क्या बच्चों, थ्री बी, समझते रहिए, बहुत ईजी होते हैं, बस सिस्टमेटिक चल रहा है। थ्री इंटू फर्स्ट टर्म फोर ए इंटू सेकेंड टर्म थ्री बी, फिर से पूरा वही बॉक्स रख लेना है, फोर ए प्लस थ्री बी, ठीक, बस हो गया। इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा बच्चों, 64 ए क्यूब, इसका करेंगे 3 3 9 3 27 बी क्यूब, इस बार भी इतने कर चुके होंगे, 4 3 12 3 36 ए इंटू बी, फोर ए प्लस, ये लीजिए आपका एक्सपेंड हो गया बच्चों, आंसर हो गया, है आसान। चलिए उसको करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 3/2x माइनस 5y, इसका करना है हमें एक्सपेंशन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो 3/2x को ब्रैकेट में लेके क्यूब लगा लेंगे, जब खोलेंगे तो सबका कर देंगे, b की जगह यानी सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर से पूरा बॉक्स वही लिख लेंगे, 3/2x माइनस 5y, मतलब नहीं कितना समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसका होल क्यूब करिए, 3 3 9 3 27 बाई 2 2 4 2 8 एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 125y क्यूब माइनस 3 3 9 9 5 45 एक्स वाई बाई 2, फिर से पूरा ब्रैकेट, हो गया बच्चों एक्सपेंशन, है आसान। ये आपका एक्सपेंशन है, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इस तरीके से कोई भी सम हो आप उसको एक्सपेंड कर लेंगे।
ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है कि इसको आप समेट के लिखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, अभी तक तो हम एक्सपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपेंड चीज दी हुई और उसको हमें छोटे में समेट देना, इसको नोट कर लिया था, नोट कर लिया होगा, तुम लोग मेरे निकल हो बच्चों, मेरे ख्याल सुनो। अब देखो एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यही पे दिमाग खर्चा होता है, यही क्वेश्चन मैंने मजा दिया था, बाकी एक्सपेंड करने में क्या है। देखिए लिखा हुआ एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab² इसको कह रहे हैं फैक्टराइज कीजिए। कभी भी एक्सपेंशन नहीं देखे बच्चों, चूंकि ऑलरेडी एक्सपेंड ही है, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना है। सोचिए जरा क्या, अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज माने इसको समेटना है, छोटा करना, ठीक है, छोटी छोटी बातें, तो छोटा छोटा करना, ठीक है, कैसे करना, कैसे जानेंगे, पहली चीज तो हम देख रहे हैं क्यूब आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि ये या तो फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल क्यूब होगा या फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल क्यूब होगा, एक चीज तो ये पक्की है, ठीक है, सेकेंड, अच्छा, अब बात ये आती है कि ये प्लस का होल क्यूब होगा कि माइनस का, यानी इसका फॉर्मूला इस तरीके से चलेगा कि इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले अगर आपने देखे होंगे, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, क्यूबिक के टर्म अगर प्लस में है तो पक्की बात है कि ये माइनस तो हो ही नहीं सकता, प्लस ही होगा, यानी ये फॉर्मूला चलेगा, या तो चल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहां ये पॉजिटिव आ रहा, तो अगर यहां माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीन बार मल्टीप्लाई करने से, लेकिन यहां प्लस आ रहा है तो इसका मतलब माइनस वाला हो नहीं सकता, प्लस वाला फॉर्मूला चलेगा, एक चीज कंफर्म हुई। अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं कि ये किसका क्यूब है, एट, एट जो है ये टू का क्यूब होता है, ये तो ए का है ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए को एक ब्रैकेट में समेट के ऐसे, यानी फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया, सेकेंड टर्म तो हमारा बी है ही है, कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तो बी ही होगा, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन हो गया, अब इसमें कुछ आप चक्कर मत पड़िए, ठीक है, बस हो गया आपका, चाहे तो आप देख लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है थ्री ए बी, तो थ्री ए की जगह टू ए बी की जगह बी, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया, हमें क्या लिखना है, हमें अगला स्टेप ढूंढना है, तो फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड स्टेप हमारा था थ्री ए बी का, और उसके बाद पूरा बॉक्स का, बॉक्स माने ए प्लस बी, यानी पहला स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखिए क्या ये यही लिखा हुआ है, 3 2 6 6 2 12 आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, बी आ रहा है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 आ रहा है, ए आ रहा है, बी और बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा पूरा खुला हुआ जो सिस्टम लिखा हुआ था ये एक्चुअल में इसका होल क्यूब है, 2a प्लस b का होल क्यूब ये लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, और यही हमारे इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर में इसको तीन बार ओपन करके लिख लेंगे, 2a प्लस b, क्योंकि क्यूब लगा है ना, क्यूब का मतलब तीन बार ब्रैकेट खुला है, 2a प्लस b और 2a प्लस, ये इसके फैक्टर हैं, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारा ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से, अच्छा लगा क्वेश्चन बता दें, चलिए 64a³ - अब आइडिया यहीं से ले लीजिए 27b³ - 144a²b + 108ab² तो देखिए ये भी एक्सपेंशन है और इसमें भी हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि अब क्या स्टेप, किसका होल क्यूब है ये, whose whole cube is this, इसको ढूंढना है, ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिए कंफर्म हो रहा है क्या, अगर आपने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले बच्चों क्या कहते हैं, फॉर्मूले कहते हैं ये ए क्यूब फॉर्मूला, एक्स
माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, और सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकेंड फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो ये आपके दो एक्सपेंशन है जो आपके लिए क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो देखो आइडिया लेंगे हम कि आखिर हमारा इसका क्या हो सकता है फैक्टर। आप देखो जो हमने माइनस वाला फॉर्मूला लिखा है जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, तो उसमें देखिए ये मैच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, यहाँ सब प्लस आ रहा है, पक्का है प्लस वाला तो नहीं होना, ठीक। तो अगर प्लस वाला नहीं होना है तो हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं, नहीं होना नहीं होना नहीं होना नहीं होना, ठीक है, इसको होना है तो इसको लिखते हैं। अब निकालते हैं क्या हो सकता है, देखिए ये एक्सपेंशन है बच्चों और ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर ले, देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स क्यूब, सेकेंड क्या है वाई क्यूब, थर्ड क्या होगा बच्चों, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बस हो गया काम आपका, देखिए एक्स की जगह यहाँ क्या है, किसका होल क्यूब करेंगे 64 आ जाए, बोलो फोर, फिर ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फोर का होल क्यूब, और बच्चों ये आपको दिख ही रहा होगा थ्री का है, ये थ्री बी का है, फिर भी जाना है फिर बस कुछ नहीं करना आपको, आगे सेम टू सेम चलेगा, देखो यहाँ भी माइनस मैच कर रहा है, यहाँ भी माइनस मैच कर रहा है, यहाँ प्लस मैच कर रहा है, यहाँ प्लस मैच कर रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं करना आपको, बस यहीं पे ऐसे डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए किसका होल क्यूब लिखा हुआ है, फोर ए माइनस थ्री बी टू होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा फैक्टर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, यस देखती है। तो अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेंशन की तरफ, जिसमें थोड़ा सा आप इन दोनों को जरा पहचान लें, इसको बच्चों बोलते हैं होल क्यूब, देखिए ये दोनों अंदर है इसके ऊपर पार होगी, इसको बोलते हैं होल क्यूब, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं कहे जाते। अभी तक हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ रहे थे जो ये था, अब हम लोग इन दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब का, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए हमें फॉर्मूला इसका चाहिए, इसको जनरली हम लोग बोलते क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला चाहिए, अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो फिर इसको उठा के हम इधर ले आए, राइट बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या हो जाएगा, अब आप समझ लीजिएगा ये इधर रह गया और ये पोर्शन इधर आ रहा है, तो इधर वाला क्या था, ये ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला स्टेप मैंने इधर लिख लिया, ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ये वाला इधर आ रहा है, डाल करोगे तो ये प्लस का था इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा थ्री ए, ये चीज को आप समझिए कि नहीं समझिए, आप एलजेब्रा के स्टेप कहीं भी रखिए उनके साइन बच्चों में, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप ये मान लीजिए ये इधर ही रखा हुआ है जिधर था, बस ये इधर ट्रांसफर हुआ इनके पास, ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए प्लस बी का बॉक्स यहाँ है, ए प्लस बी का बॉक्स यहाँ है, इनके पास ए प्लस बी के थ्री बॉक्स हैं, इनके पास ए प्लस बी का वन बॉक्स है, तो आपने कॉमन लेना भी सीखा है, यहाँ ए प्लस बी का वन बॉक्स कॉमन आ जाएगा, अगर वन बॉक्स कॉमन आया तो फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच्चों टू बॉक्स बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा थ्री ए बी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इसको अगर आप ओपन करते हैं बच्चों तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी, ठीक है बच्चों इतना हो गया। अब आप देखो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का ए बी बचेगा ना, तो और हमारा बचा क्या, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बच्चों हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नोट कर लीजिए, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला?
फॉर्मूला है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ध्यान रखिएगा बच्चों, होल क्यूब नहीं है, अलग अलग क्यूब है। इनका फॉर्मूला होता है इन वन ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, इन अदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी याद कीजिए। तो ये आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था बच्चों। अब हम देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन को मिटा दे, मिटा दे 1 2 3 यस। अब हम लोग देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमें करने होते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, तो मुश्किल वाला काम थोड़ी होता है, देखिएगा कितना आसान होता है। अभी आपसे कह देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए कह देंगे, क्योंकि हमने तो होल क्यूब पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि अगर ऐसे होता 1 + 4x का तो हम कर लेते, लेकिन ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं कि अलग अलग क्यूब हो, ऐसा तो मैंने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने? फार्मूला पढ़ा। क्या फार्मूला पढ़ा मैंने? फार्मूला पढ़ा कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला मैंने पढ़ा। क्या होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। तो हम देखें यहाँ a की जगह क्या है 1 है, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी ये किसका है 4 4 जा 16 4 जा, यानी 4 का लिखा हुआ है 4x का होल क्यूब। अब देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है, बस वैल्यू डाल दीजिए, a की जगह 1, b की जगह 4x, a की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, b का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करना 4 5 4x, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये इसको कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करना। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं फटाफट, फैक्टराइज हटाए इसको बनाए पास करके देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं फैक्टराइज कितना आसान होता है। दूसरा फैक्टराइज बच्चों कह रहा है फैक्टराइज कीजिए 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसको मुझे करना है, ठीक है बच्चों, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम तुरंत फार्मूला किसका पुट अप करेंगे, हम फार्मूला पुट अप करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a क्यूब a स्क्वायर a प्लस b इन वन ब्रैकेट और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, वैल्यू पुट अप कर दीजिए बच्चों। एक जगह क्या होगा निकाल सकते हैं, हियर a इज इक्वल a क्यूब है तो ये तो क्यूब मिल रहा है लेकिन ये किसका 2 का है 2x, अगर हम इसका होल क्यूब करेंगे तो हमारा ये आएगा 4 2 4 2 8x³ आ जाएगा। b कितना होगा बच्चों 5 होगा और y होगा, बस a की जगह ये रख दीजिए b की जगह यहां रख दीजिए आंसर आ जाएगा, है क्लियर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है इसी तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब का होता है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हम लोग निकालेंगे, यस a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला निकाल लिया है, a क्यूब माइनस b क्यूब का निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज d और e ये आपको करनी है, जहां तक आप कर सकना कर लीजिएगा, हिंदी का वर्क आपको भेजा गया उसको करते रहिएगा और मैथमेटिक्स लगाते रहिए क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आती है। मैं अनूप मिश्रा कल मिलता हूँ आपसे a क्यूब माइनस b क्यूब और कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्टराइज्ड फार्मूलों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।